जब भी कोई भर्ती परीक्षा होती कांग्रेस सरकार में तो पेपर लीक यानी कि युवा बेरोजगार एग्जाम सेंटर पर पहुंचता तब पेपर लीक हो जाता या गलती से एग्जाम दे देता घर पूछता तो पेपर लीक हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गारंटी दी कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक नहीं होगा। और आपने देखा होगा जब मैं मुझे टिकट दिया गया तो पहला मेरा बयान था पेपर लीक माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए उनका बयान था पेपर लीक माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी भजनलाल जी शर्मा जी को यानी कि मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने वो कर दिखाया है जो कई सालों से युवाओं के सपनों को चौपट कर रहे थे सपनों को बेचने का काम कर रहे थे। कई ऐसे अनगिनत उदाहरण आप देख रहे हो कि 10 साल 12 साल 8 साल पहले के जो अपराधी है उनको चुन चुन कर जेल में डाल रहे हैं। ऐसा ही भर्ती में पेपर लीक हुआ हमने भी शहीद स्मारक का धरना प्रदर्शन किया आवाज़ उठाई लेकिन अब युवाओं को लग रहा है कि हमारे साथ न्याय होगा। और आने वाले समय में भी आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है एक भी पेपर लीक माफियों को बख्शा नहीं जाएगा चुन चुन कर जेल में डाला जाएगा। कई बड़े लोग पकड़े जाएंगे और युवाओं के साथ न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद करीब 8 भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है चाहे वो सूचना सहायक हो चाहे एनएम जीनम हो चाहे वो कृषि प्रेक्षक हो चाहे वो कॉलेज लेक्चरर भी हो। कई ऐसी जो भर्ती परीक्षाएं करीब 7 से 8 भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम हो चुकी है। कभी आपने सुना पेपर लीक की चर्चे सुने नहीं क्योंकि पिछली सरकार ने पेपर लीक में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था और युवाओं के आक्रोश उनको ले डुबा था और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने में युवाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने पहले दिन ही पेपर लीक को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जिसका परिणाम यह है कि एक भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं हुआ और लगातार अपराधी जेल के अंदर जा रहे हैं। और आने वाले समय में भी आपको कई अपराधी जेल के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि एक भी पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और पेपर लीक नहीं होनी चाहिए ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसलिए मैं प्रदेश के लाखों युवाओं की तरफ से यशस्वी भजनलाल जी शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके आने के बाद अनेक आयाम स्थापित हुए हैं यानी कि जो पानी को लेकर चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो जो राजस्थान के जो लोगों को पानी को लेकर एक बड़ी राहत देने का काम किया है और विशेषकर युवाओं को पेपर लीक से एक छुटकारा दिया है युवाओं को सपनों को साकार रहने में करने में अहम भूमिका निभाई है यानी कि अब राजस्थान का युवा चैन से सो रहा है। अब उनको पता है कि भजनलाल जी एक्टिव हैं युवाओं के साथ न्याय करेंगे अन्याय नहीं होने देंगे जिसका प्रमाण आप सबके सामने है जो SI बन चुके हैं उनको हिरासत में लिया गया है और कई भर्ती परीक्षाओं में जो लग चुके हैं उनको चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है। और आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही जो उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य यानी कि युवाओं के सपनों को बेचने वाले जेल के अंदर होंगे और युवाओं के साथ अच्छा होगा। तो मैं पुनः एक बार यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का प्रदेश के लाखों युवाओं की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों जब भारतीय जनता पार्टी में मुझे टिकट मिला मेरा एक ही ध्येय था कि पेपर लीक माफियाओं का खात्मा हो और मैंने कहा भी था एक तरफ पेपर लीक माफिया की सरकार है दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनके बीच में चुनाव हो रहा है। और आज मुझे खुशी है कि मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ा जिस पार्टी ने पेपर लीक माफियाओं को खात्मा करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं और जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य हूँ और इस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ।